रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा। दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशन, सॉफ्ट मखमली एहसास रोजा लाइफ पास। वॉइस ऑफ एशियंस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले रुख करते हैं पहली खबर की तरफ। नगर निगम के जॉन डी के बाहर खूब जमकर धरना प्रदर्शन हुआ। कारण था कि वार्ड नंबर 31 के काउंसलर ने यह आरोप लगाया कि उनके वार्ड में कोई काम नहीं किया जा रहा, जिसका जिम्मेदार उन्होंने नगर निगम के कमिश्नर को ठहराया और खूब जमकर नारेबाजी की। देखते हैं विकास भामरी की एक रिपोर्ट। इंदर शर्मा वार्ड नंबर 31 तो मेरी पुत्र बधु कौंसलर है। वार्ड नंबर 31 तो मेरी पुत्र बधु कौंसलर है। करीब 10-11 महीने हो गया साडू कौंसलर बने उस इलाके तो। विकास पक्षों जिहड़ा इलाका बहुत पिछड़िया, सफाई की व्यवस्था उत्थे बहुत माड़ी है और सीवरेज की व्यवस्था मेरे एरिए गैसपुरा के फ्लैट भी पैंदे ने। उत्थों के लोग ने जिहड़े नरकीय जीवन बतीत करते हैं। कमिश्नर साहब न, मेयर साहब न, जोनल कमिश्नर न बार बार बेनतियां कीतियां, मेयर साहब न भी मिले। उन्होंने फिर जो कमिश्नर उन्होंने कमिश्नर साहब ने एक लैटर लिखवाई, उन्होंने कहा भी एस्टीमेट बनाओ पिछले दिन। मेयर साहब ने कहा कि सारे कौंसलर ने 1-1 करोड़ रुपया देता। असी एस्टीमेट बनाने सिंगला साहब को लैटर चल गई, पर बाद च पता लगा वो मैं कहते रहे पे जी फाइल है वो ड्राइंग ब्रांक के इलाका डिकलेयर है, रिपोर्ट कराने गई है। पर जो बाद पता लगा कि उन्होंने एस्टीमेट तैयार ही नहीं किए, जो कौंसलर झूठ बोल सकते हैं तो आप जनता नाल इन्हों का व्यवहार की है। कोई इन्होंने अज तक एस्टीमेट नहीं बनाया। जोड़े PIDB के कम ने उत्थे जाके देखो, मेरा महला जिस महल मैं खुद रहना उत्थे 1 to 8 तक उत्थे मंदिर भी है, स्कूल भी है। वो गलियां इन्होंने पट्टियां 3.5 साल हो गया उत्थे 2.5-2.5 फुट डूंगा मिट्टी पट के लै के देना। जो बच्चे जन्दे स्कूल मंदिर च किसी ने जाना हों, लोगों उत्थे जान की बहुत तकलीफ हुंदी है। इन्हों मैं कहा भी जे तुसी गलियां नहीं सी बनानियां तो वह पट्टियां भी नहीं सी। उहदे बावजूद सुंदर नगर है, गुरमेल नगर है, महामाया नगर है, उस सारे एरिए दे विच पहली सरकार ने जिहड़ा पत्थर पाया ही उस तरह पत्थर पेदा। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हुंदा। पिछले दिन पानी की समस्या इन्नी उत्थे माड़ी सी, तुसी देखिया कि आउटर वार्ड होण करके नाल दे वार्ड दे विच 29 नंबर वार्ड दे विच मैडम मैनू कहिंदी है, मैडम साहब कहिंदे ने कि तुसी कल्ले ही बोलदे हो, दूजे वार्डां दे नहीं बोलदे। मैं तुहाडे अगे बेनती करना, इत्थे सारे भरा बैठे दे ने मेरे नेड़े, मेरे नाल दे वार्ड क्योंकि आउटर वार्ड ना 29, 30 और 31 पैंदे ने, तुसी रोज़ ही उत्थे सुनिया। उन्हां इलाकियां दे विच बंदा लंघ नहीं सकदा। लोगों नूं उत्थे भी जगावांगे, चाहे मैं हुण वार्ड नंबर 31 दी कौंसलर हां मेरी पत्र बधू। और बावजूद जो कमिश्नर साहब कहते हैं कि सिर्फ वार्ड नंबर 31 की कौंसलर आके इतने इलाके की समस्या, और कोई कौंसलर नहीं बोलता, तो वो BJP की कौंसलर है। BJP के कार्यकर्ता भी उत्थे बैठे देने, असी सारे कार्यकर्ता उत्थे भी जगावे जड़ियाँ इलाकों दी समस्या उत्थे रखांगे। हाँ कल असी इस तो पहले भी मैडम साहब मैडम कमिश्नर तो असी आए सी सफाई संबंधी, असी दस्या भी मेरे वार्ड के वार्डा के 20-25 जिहड़े सफाई सेवक ने आंदे ने। मैडम उत्थे खुद चैक करन गई है, इन्हें देखिया वो मीडिया वाले भरावां ने भी एक दिन उन्होंने पूछा भी तुसीं उत्थे गए की दिखाया, कहिंदे इत्थे बहुत गड़बड़ियां, मैं 2-3 दिन बाद खुलासा करांगी। उस तो बाद मेरे ख्याल बाहर कहीं इलैक्शन थी, इलैक्शन के दौरान चले गए, सानूं कल टाइम मिले आंदे। मैं जदों आंदे इन्हां नाल गल कीती कि मैडम वो अगे तो 15-20 आंदे, हुण तो 10 बंदे रह गए ने, 10-12 वो भी आउट। एक पासे स्वच्छ भारत अभियान इन्हां चलाया, दूजे पासे जे 23,000 वोट है सारे लुधियाने, मेरा वार्ड बड़ा, पहले 77 बंदे काम करते, अज 10-12 बंदे काम करते हैं। उन्होंने भी ये कितने बाहरले वार्डां च लै जांदे काम करन, कितने मेन रोडां ते लै जांदे ने। सानू तो सिर्फ कंप्लेंट के उत्ते बंदे मिलते हैं भी जे कि गुरद्वारा साहब का नगर कीर्तन निकलना, वैसे आल मोस्टली सफाई महलिया होंगी नहीं। मैं इन्हों यो गल कही भी तुम फिजिकल उत्थे जाके चैक कर लो, लोगों को किसी तो चैक करवा लो भी जे उत्थे कोई आता, कहें जी तुम रौला पाते हो इसे गल तो भड़कती जो
मंग साडी इहो ही है कि जिहड़े साडे इलाके दे रुके दे विकास दे कार्ज ने वह शुरू किए जाण, असी जिहड़े एस्टीमेट दिते दे ना वह बनाए जाण, जिहड़ियां असीं एप्लीकेशन दित्ती दियां सानू जिन्नियां बिटां ने बिट वाइज, क्योंकि जिन्नियां बिट बिट अनुसार बंदा मिलता, असी अपने आर टी आई भी पाई है, आर टी आई तो अपील भी पाई है, पिछले 28 सानू लैटर आई है भी 28 एक महीने के अंदर अंदर तुहानू ये सारी रिपोर्ट देणगे। इन्होंने अज तक सानू ये नहीं दस्या भी तुहाडे किन्नियां बिटां ने, किन्ने बंदे काम करदे ने। इसे संबंध च मैडम नू असीं मिलण आए सी ते असीं क्या मैड मैनू कहिंदे भी तू कल्ला ही रौला पाउंदा, तुसीं कल्ले ही रौला पाउंदे हो, बाकी किसे 95 वार्डां दे विच कोई कौंसल नहीं रौला पाउंदा। मैं कहा जी असीं झूठे हाँ ते किसे निष्पक्ष एजेंसी तो जंग करा लो, ये जो भड़क पे तो उन्होंने इसो ही भाषा नाल सानू कहा कि चलो बाहर चलो। इसे उन्होंने कौंसलर का अपमान किया, वो कहिंदे कल्ला रौला पाउंदे। मैडम नू अज असीं दसना चाहुंदे हाँ एक काउंसलर कली नहीं, वो सैकड़ों की तादाद अच्छ भैं आई हैं, वो भैं की आवाज़ है, आवाज़ बन के हमेशा ही कारपोरेशन के गूंजती रहेगी। इन शब्दों मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करना। मीट सोनिया शर्मा हाँ जी, एक्चुअली हमेशा कामों लैके अपने बार की समस्या लैके असं बट कल फिर असं मैम मिलने लिए आए, क्योंकि लास्ट दिन जब मैम ने असं कंप्लेट की बार बार भी वो साढ़े वार्ड से चैकिंग ले आए थे सफाई सेवकों लैके जो असं मुद्दा उठाया सी। बट उन्होंने आके जब चैक किया उन्होंने देखा कि इतने तक सिस्टम बहुत ही बिगड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि दो दिन के अंदर अंदर थोड़ा जो खुलासा किया जाएगा, बट इलैक्शन करके मैम बाहर जाना पे आए नहीं। कल असं इसे रिगार्डिंग मैम ने पूछने लिया कि मैम दो दिन तक टाइम से वह रिजल्ट की निकलिया है। उन्होंने अगू ये कहा कि हमेशा 95 वार्ड है, उन्हों का कोई नहीं, सिर्फ तुहाडे वार्ड में ही हमेशा प्रॉब्लम होंगे। उन्हों का कहने का की मतलब है कि असं झूठ बोलते हैं, जो असं झूठ बोलते हैं। असं मैम ने कहा मैम अगर इदा ही जाए असं झूठ बोलते हैं तो तुम विजिलेंस में रिपोर्ट दे दो, आपे चैक करके दस झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। इन्होंने असं जाके असं अपनी मातृ शक्ति लैके आए हैं, जो असं झूठ बोलते हैं जिन्होंने प्रॉब्लम असं वार्ड के जिन्होंने लोगों ने सू कुर्सी दी है उन्होंने समस्यावान सुनने असं बैठे हाँ। इन्होंने सानू समस्या असं समस्या तक कमिश्नर मैम दसागे, वो कह रहे कि झूठ बोलते हैं। अजय मातृ शक्ति खुद दसेगी सू की प्रॉब्लम ने की है मिसबिहेव, वो बड़े अपमानजनक शब्द हप करके कि तुम जा सकते हो, असं कोई काम नहीं करना। जे उन्होंने कुर्सी मिले यद मतलब की है, एक पास मेयर साहब कहें कि काउंसलर बहुत इज्जत समान, और जो कल इज्जत समान मिले ना अगर रोष प्रदर्शन भी करना गए ना असं रिपब्लिक असं करा अंत तक करा। बाकी अगर कमां लिए पूछना साड़ी मातृ शक्ति नाल आई है वार्ड नंबर 31 पहले तो यह गल है कि डिवेलपमेंट का काम तो जीरो है, स्वीपर कोई नहीं है। स्वीपर लैके सारे ने पहले मुद्दा उठाया सी, आज पूरा साल होने है वार्ड तो 64, 32, 32 to 16 इसे मुद्दे लैके असं काम कर रहे, कोई सीवरेज की पानी की हमेशा ही समस्या रही है, कोई समस्या हल डिवेलपमेंट का काम तो असं कह रहे जी रहे, असं कह रहे कि सिस्टम तो सैट करो, वो कह रहे कि असं करा कह रहे हूँ, वो कह रहे कि सिर्फ तुहानू ही प्रॉब्लम है। इन्हों का कहने का की मतलब कि अगर लुधियाने शहर 95 वार्ड ने 95 काउंसलर कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ तुहानू ही है असं झूठ बोल, अगर असं तकलीफ है ताइयां मैडम को आते हैं। पब्लिक के कमां लिए असं हाँ, जे पब्लिक ने सू कुर्सी दी है सू इज्जत समान दिता तो असं कमां लिए अगे तुम्हें अगे रिस्पोंस मिसबिहेव करते हैं। हाँ जी सारा वार्ड जब तक सू इंसाफ नहीं मिलेगा धरना इदा रोष प्रदर्शन मातृ शक्ति लगे। मंग यह है कि तुम सिस्टम सैट करो, जो असं अपमानजनक जो शब्द कहे हैं ना वो असं नहीं भूल सकते। एक पास कहने काउंसलर इज्जत समान दिता जाएगा, और जो उन्होंने मिसबिहेव किया ना वो और ओपोजिशन होने करके मिसबिहेव करते हैं। लुधियाना की थाना मोतीनगर की पुलिस ने मोबाइल फोन छीनने वाले एक गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 महंगे फोन बरामद हुए हैं। इसका खुलासा किया ADCP 4 राजवीर सिंह बोपराय और ACP इंडस्ट्रियल एरिया हरजीत हरजिंदर सिंह ने। उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान माना उर्फ दीपक और सुमित कुमार उर्फ सोनू शिमलापुरी के रूप में हुई है। अभी उनसे और ज्यादा जानकारी लेने के लिए पूछताछ की जा रही है। लुधियाना से विकास भामरी की रिपोर्ट। डीसी सर सब इंडस्ट्री एरिया 1
ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੀਐਸਸੀ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਨੇ ਮੁਤਲਕ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। 96 ਸੀਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਇਹ ਚਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਡਾਟ ਦੇ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ सीपी सर डॉक्टर सचैर सिंह जी गिल डीसीपी क्राइम डीसीपी हेडक्वार्टर वालों जिहड़ियां इलाके च लुधियाना स्नैचिंग दीआं वारदातां हो रही ने उहदे बारे सख्त मीटिंग की गई सी ते आप अपनी स्ट्रैटेजी अपनाउण लई कहा सी जिहदे संबंध में एसीपी हरजिंदर सिंह इंडस्ट्रियल एरिया ए तो उन्होंने अपने एस टी मीटिंग करके स्पैशल किड़े कि एरिए ज़्यादा स्नैचिंग किस वक्त होंगी सारी क्राइम मैपिंग करके नाके लवाए थे। मल्होत्रा गांव च उस दिन मोती नगर की फोर्स ने नाका लाया हुआ सी जिथे शक की बिना पर दो लड़कियों रोकया गया जिड़े एक मारका हीरो होंडा मोटरसाइकिल उत्ते सीडीडी लैक्स से उन्होंने को चार मोबाइल उन्होंने को बरामद हुए हैं जिदे बारे तसली बख्श जवाब नहीं जिससे बाद पूछगिछ पता लग गया भी यह मोबाइल उन्हें एक तो बीयर फैक्ट्री को खोया से एक सिविल हॉस्पिटल खोया से एक आर के रोड तो खोया से अगर डिटेल पूछगिछ उन्होंने दो मोटरसाइकिल होर भी चोरी के बरामद हुए हैं बाकी हाले उन्होंने कोर्ट पेश है रिमांड लवेंगे जो डिटेल अगर पता लगेगी इनवैसिगेशन चल रही है। ये दोनों जी सिमलापुरी के एरिए ने रहने वाले एक मलो एक तो हैगा जी दीप उर्फ माणा पुत्र महिंदर सिंह गली नंबर 41 प्रीत नगर नेड़े दशहरा ग्राउंड सिमलापुरी नहीं इतने दे नहीं आ वारदात पहले दी ने एक एक दिन तो नहीं की जी हाँ अलग अलग तुम दस डिफरेंट जगह तो उन्होंने नहीं की नहीं मामला हालते साढ़े को रिकॉर्ड कोई यही जी गल नहीं है असं हूँ जाके बाकी रिमांड लगे दो मोटरसाइकिल जी मिले लुधियाना में एमएलए राकेश पांडे की अगुवाई में अश्वनी शर्मा को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है कांग्रेस का। वहीं पर विधायक पांडे ने बताया कि अब चेयरमैन की लिस्ट भी आ चुकी है और पुराने टकसाली वर्करों का नाम भी शामिल है। नव नियुक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा ने बताया कि वे पिछले 35-36 सालों से पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं और साथ ही साथ हर एक एमएलए और मेंबर पार्लियामेंट रवनीत सिंह बिट्टू के साथ भी उनका अच्छा प्यार है और उनके साथ मिलकर ही पार्टी की सभी उम्मीदों पर खरा उतरने की वे कोशिश कर रहे हैं। विकास मामली की रिपोर्ट लुधियाना से। मैनू कोई चुनौती नजर नहीं आ रही जिथे मेरे इदा के वर्कर साथी मेरे नाल उथे कोई चुनौती नहीं बाकी जिस तरह लुधियाना काफ़ी लंबे समय तो गुटबंदी का शिकार है कि गुटबंदी खत्म हो पाएगी जी जिस तरीके गुटबंडे हुए हैं जी लुधियाने के मैंने कोई गुटबंदी नज़र नहीं आती क्योंकि मैं जो अपने 35-37 साल कांग्रेस पार्टी लाए है मैं सारियां नाल ही सारे एमएलए जिन्ने साहबान सारे नाल काम किया होया एम पी साहबान ना भी सारे काम किया इस करके मैं कोई गुटबंदी का फर्क नहीं कोई नज़र नहीं आ रही। हाईकमान ने रवायत शुरू की वर्कर मान दें हाँ जी जी लिस्ट जारी तुम अपने साथी जुड़ोगे कि वर्करा जो पुराने टकसाली कांग्रेस की घर बह गए बिल्कुल अज की डेट के शहर च देखो पता करो पुराने जिन्ने टकसाली कांग्रसी आ उन्हें इन्नी खुशी आ भी साडा एक बच्चा आ गया साडा एक साथी पुराना आ गया इस करके किसी च कोई इस वे शहर का माहौल ही अलग आ कांग्रेस पार्टी का रूटीन रूटीन है इन्ने साल काम किया पार्टी के मैं दसिया पहले ही भी जिते एक वर्कर ज पार्टी ने मान दिता तो वर्कर साथी आपे ही सामभ गए सारा कुछ क्योंकि वर्कर मेरे नाल आ मैं वर्कर हाँ मैं हूँ लीडर तो है नहीं नेता तो है नहीं कोई इन्हों के बच्चों उठाया वा अज प्रधान बनाता ठीक है तो है तो एक वर्कर ही हाँ उही रहना मैं तो इस करके जिथे वर्कर खड़े कांग्रेस का वर्कर ही ऐसा वा भी वो मोहरे जदों वर्कर खड़ जाता जिड्डा मर्जी पहाड़ हो एक बार गिरा दिता फटाफट।
हाँ बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी की ऐसी जित होनी लोग सभा दे विच सारी दुनिया याद करू भी कितनी जित हुई है, वर्कर ने जोर ही डबल ला देना है। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਵੀ ਲਿਫਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, 15 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਫਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੁਗ ਤੀ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹਜੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ, ਵਰਕਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਵਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਔਰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। तो दोस्तों ये थी आज के इस बुलेटिन की खबरें, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको हम दिखाते रहें। आपको और आपके परिवार को वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।